कोल्हा कोई है ही। बनवला आश्रम खरच उत्तम। मागच्या वेळी इकडे आलेलो ना मी सकाळी सकाळी 7 साडे 7 ला आलो काहीतरी मला वाटते, आणि आश्रम बघून वेडा झालो पूर्ण। कारण की जे आपण डोक्यात असतं ना ध्यान बिन करायला कशी जागा पाहिजे, ती जागा अशी पाहिजे, ही अशी कुटी आणि मैयाचा किनारा, लिटरली मैयाचा किनारा इथं। हाँ जी बड़ी आज सुविधा नहीं है और क्या ये। और यहाँ पे इतना किचन है परफेक्ट। मुख्य म्हणजे मानवी वस्ती दूर दूर पर नहीं है, इतना 5-7 किलोमीटर वरती मला वाटते अनघोरा है, 5-6 किलोमीटर वरती बोरास है, इथं पुढे चौरास गाव आहे ॲक्च्युली, चौरास त्यानंतर अंडिया, अंडिया नंतर अनघोरा, त्यामुळे मानवी वस्ती नाही काही नाही, केवळ मैया आणि आपण। बघू यहाँ पे रुकना है आज, क्या करें आगे जाएंगे जैसा आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे। मेरा कोई बात नहीं। हाँ चलिए बिल्कुल बिल्कुल महाराज, सौभाग्य बात होगा मैया के ऐसे रुकना है क्या मुझे तो। हाँ है, हाँ है ना, चलो रुक जाएंगे चलो। मैया के इतना नजदीक में नर्मदे हर, इसका नर्मदे हर नर्मदे हर। अतः हा आश्रम बघा, एक तर बाहेर न प्रतिमा आहेच, सवालच नाही त्याबद्दल खरंच, कारण की इतका छान कुठे मी तरी बघितलं नाही आहे गुट्टी अजून, आणि घरं बघितली नाही असं नाही, पण इतकी छान कुठे बघितली नाही आहे खरंच। आणि त्या आतनं बघा एवढ्या उन्हाळ्यात पण थंड आहे ती पूर्ण। नर्मदे हर नर्मदे हर। वा आमची आसनं लागलेली आहेत, आजचा मुक्काम इकडं आहे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। बट तो फिर तो वही है, तो वो भी कर्म है, ये भी कर्म है भाई। कुछ यहाँ भी कुछ लेने आए हो, कुछ तो कुछ भी लेने आए हो तो पहले देना पड़ेगा, फिर में नहीं मिलता ना। लेकिन बात तो यह है महाराज जी, इधर नियम थोड़ा अलग है। मैया ने मतलब पाने के बाद जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है मैया ने 1 रुपया लेकर करोड़ों रुपया का दे दिया। तो है, हम क्या देते हैं और हम दे क्या सकते, वो तो इतना देती है, उससे क्या देंगे। उसने क्या नहीं दिया बता सबसे पहले, तो वो तो बात छोड़ो, सबसे बढ़िया तो ये शरीर स्वस्थ दिया, इससे बढ़कर क्या लोगे। हाथ पैर जब मनुष्य देखो मनुष्य जीवन दिया, मनुष्य जीवन के बाद भी सारा शरीर स्वस्थ दिया, हाथ पैर सब, कोई देखो लंगड़े पैदा होते, कोई कहने बिल्कुल बिल्कुल, और तुम तो स्वस्थ, तो इससे बढ़ के इससे और फिर कर्म करने का अधिकार है तुम्हारा, कर्म भूमि है ये, इससे ज्यादा क्या लोगे। कर्म करो सब कुछ मिलेगा, वो आपकी झाड़ी थोड़ी रखेगा, और कर्म करने लायक शरीर भी रखा मैं, वो तो कर्म करने लायक अपना पूरा शरीर अच्छा दिया स्वस्थ दिया, इससे ज्यादा और क्या लोगे, क्या कामना करते हो। और फिर इधर इधर लाके खड़ा कर, कर्म करो कर्म करो, जब भगवान ने स्वयं कर्म किया नारायण ने यहाँ मानव रूप में आकर के, तो मानव क्या है, उन्हें क्या जरूरत यहाँ भटकने की 14 वर्ष में। बराबर एक साइड से जिसके पलक झपते सृष्टि का लय प्रलय हो जाए वो जंगल जंगल भटकेगा, कांटे में पत्थरों में प्यास में, तो क्या किस लिए भटका वो, हमारे लिए पब्लिक को दिखाने के लिए, उनका जीवन ही तो हम लोगों के लिए शिक्षा है। लेकिन हम उन्हीं पर आरोप लगाते हैं उल्टा, आज का समाज इतना होशियार हो गया है, आज का मानव इतना होशियार है, उन पर उल्टा आरोप लगा। वैज्ञानिक कौन है, इंसानी तो है, वैज्ञानिक कौन है जो आज इतना विकास हो रहा है, ये मोबाइल है किसने बनाया, इंसान ने बनाया, होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्या नहीं कर, अरे जब तुम मन में ठान लोगे कि भाई हमें परिक्रमा करनी है और किनारे से ही करनी, तो किनारे से ही कर सकते हो, मन में ठान लो संकल्प, धन संकल्प, चाहे कितनी परेशानी किनारे से जाना है तो आज भी पूरी परिक्रमा किनारे से हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। अरे बांध आएगा आने दो, आगे आगे से बढ़ के चलो, एक पैर की जगह तो आपको मिलेगी, एक पैर की जगह तो आपको मिलेगी, वो तो बिल्कुल मिलेगी बराबर, नहीं तो लेकिन हम है कीचड़ में हमारे पैर खराब हो जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे, रोड से भागेंगे, हमें धंधा करना है, 50 किलोमीटर भाग के दो महीने में करके पूरी छुट्टी, फिर घर में ये पड़ा है वो पड़ा है उसको संभालना है, तो घर में संभाल पे यहाँ क्यों आए हो, यही तो बात है। आज भी महाराज जी बहुत कम है, लेकिन नंगा पैर परिक्रमा करने वाला भी 1-2 तो परिक्रमा तो वही है, आज परिक्रमा कितने करते हैं, मुश्किल से 10% सही परिक्रमा, 10% भी नहीं करते, 3 साल 3 महीने 13 दिन नंगे पैर और नंगे घाट, घाट का पानी पीना, घाट घाट पर तपस्या करना, भजन करना, कौन कर रहा है, बिल्कुल तट छोड़ के नहीं उतार, लाखों में एक आदि कर रहा है परिक्रमा, लाखों कर रहे हैं, लेकिन जो परिक्रमा है असली तपस्या वो एक बिरला ही कर रहा है, शायद इस साल कोई भी नहीं कर रहे, ऐसा बात तो नहीं होती, ये तो हम नहीं मान सकते, कोई नहीं कर रहा, कोई ना कोई करता रहता है,
लेकिन बहुत ये भूमि वीरों से खाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, भूमि वीरों से तपस्याओं से खाली नहीं है, तपस्याओं से खाली नहीं है। हम नहीं कर रहे तो क्या हो गया, हम नहीं देख रहे तो क्या हो गया। मुझे तो नजर में एक दो आया, मतलब आया ना तो एक दो नंगे पैर भी कर रहा है। हाँ तो फिर, अरे नंगे पैर तो है बहुत सारे है, बिल्कुल तट पे ऐसा भी कुछ नहीं रखा है, जो भी कुछ है मैया से ही मांगते है। और ज्यादा ज्यादा करके एमपी वाले है नंगे पैर चलने वाले, वो आसान नहीं है महाराज जी। मैंने एक बार ट्राई कर लिया, आसान नहीं है वो नंगे पे चलना। क्यों नहीं आसान है? बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं, आप जैसे जवान होकर के डरते हो तो डरने की बात नहीं, बहुत मुश्किल है वो। मुश्किल है। क्यों मुश्किल है बताओ? अब पैर दुख रहे थे और क्या, दुख रहे थे। देखो फिर वही बात आ गई ना, घर से क्यों आए? ये सत्य वचन ही कहा, वो नंगे पैर 30-30 किलोमीटर चलना मुश्किल था ना उस वक्त। 30 किलोमीटर किसने कहा? हाँ वो तो है अभी, अब तुम 50 चलोगे तो वही बात दुखेगी। दुखेगा यहाँ बराबर है वो तो। तो गलती किसकी, मैया की? अरे मैया की कौन बोल रहा है, हमारी गलती है। नर्मदा मैया ने तो कभी नहीं कहा कि 30 किलोमीटर भागो। बराबर मी करत हूँ का, म्हणजे मी मागच्या वेळेस हा आश्रम बघितला होता आणि तेव्हा मला फार वाईट वाटलं। मी सकाळी 7:30-8 इथं आलेलो होतो कारण की मागं धरमपुरीला बोरसला राहिलेलो होतो आणि इथनं हे किती हार्डली 3 किलोमीटर आहे। मात्र हे ह्या परके मात्र मी असं गाठ बांधलेली की सकाळी 7 जरी इथं आलो तरी थांबणार, अख्खा दिवस थांबणार, कारण की असं स्थान मिळत नाही परिक्रमेत। इतकी जवळ मैया, इतके शांत वातावरण नाही मिळत। अख्खे मी शूलपाणी जंगलातच फक्त मिळतं। मी लखनगिरी महाराजांचा आश्रम आणि हा आश्रम खरंच, आणि पुढं मिरियामध्ये हे 2-3 जागा अशा आहेत ना ज्या मी मिस करणारच नाही काही झालं तरी। मी इथं बसताना इतकं छान वाटवतो ना खरंच। मी आश्रम छान आहे, जेवण बिवण मिळते, हा विषय या पलीकडच्या गोष्टी आहेत सगळ्या। मी इथं मैयामध्ये आंघोळ करताना जो आनंद येत ना आज, बापरे सांगण्याच्या पलीकडे होता पूर्ण। मी खरंच इथं तर आपण एखादा महिना राहिलो, साधना असेल, ध्यानधारणा असेल, काही पण असेल, किती वेगळं वाटेल खरंच। त्यामुळे जर तुम्ही इथं आलात तर विसरू नका इथे यायला। बोरास, बोरासला जाताना चौरास लागतं आणि त्या दोन्ही गावांच्या मध्ये हा आश्रम आहे, त्यामुळे मिस करू नका अजिबात। सकाळी 7 आला तरी थांबायचं, 8 आला तरी थांबा, संध्याकाळी आला तर थांबालच। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। गतं तदेव मे भयं त्वदम्बु वीक्षितं यदा मृकुण्डसूनु शौनकासुरारिसेवि सर्वदा पुनर्भवाब्दिजन्मजं भवाब्दिदुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। आलक्ष्य लक्ष्य किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्षनीरतीरधीरपक्षिलक्षकूजितं वसिष्ठशिष्ठपिप्पलादिकर्दमादिशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। सनत्कुमारनाचिकेतकश्यपादिषट्पदैर्द्रुतं स्वकीयमानसेषु नारदादिषट्पदैः रविं दुरन्ति देवदेवराजकर्मशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। ओम जय जगतानंदी, उमैया जय आनंदकंदी, ब्रह्मा हरि हर शंकर रे वा शिव हरि शंकर रुद्री पालंती। ओम जय जगतानंदी, देवी नारद शारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी, ओरे वा अभिनव पद चंडी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन गावत, शारद पदवंती। ओम जय जगतानंदी। सोडा नर्मदे हर, वाह वाह दिसते सुंदर। जाईल जाईल जाईल, हळूहळू जाईल। नर्मदे हर, सबका कल्याण हो। चलो नर्मदे हर, वाह नर्मदे हर। चलो बाय।
करा शुरू। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे मैया नर्मदे हर उल्टे कहाँ जा रहे हो? वाह 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 कुठल्या कुठे गेले बघा, आणि तो पोडतो तो किती लांब गेलाय। और हमारे भी जा रहे है थोड़े धीरे धीरे, लग गए बाबू। वो आपका मतलब क्या? ये मेरे है, वो जो करंट करंट आपका भी है ना। हाँ। वो देखो बीच में है, वो आपका भी जब करंट में पड़ जाएगा अब लग गया ना करंट में। ये क्या? हाँ, वो आगे चलना शुरू। नर्मदे हर मैया आशीष छान ब्रेकअप करूंगे। नर्मदे हर चला जीवन करूंगी। जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। नर्मदे हर आता जेवण झालेलं आहे। तिक्कड भात दाल छान होतं सगळं, छान खरंच। म्हणजे आश्रम छान आहे, जागा खूप छान आहे, शांत वातावरण आहे, परिक्रमा असं जास्त नाही आहेत। हे दोघं जण आणि आम्ही तिघं जण आहोत, त्यामुळे छान आहे। चला संध्याकाळी 7 वाजलेत, आता आराम। नर्मदे हर डिस्को चाललाय। नर्मदे हर रात्री काय होणार आहे? दिवर होणार का जाणार काय मित? नर्मदे हर कोण आहे? कोण हे आवाज? कोण गिधड आहे? गिधड कोल्ह्या कोई आई बाप रे। एक तर इथं दिव्यांचं हे चाललंय, आई शपथ। बाहेर ले जाऊ एक मिनिट, एक साऊंड कॅच कर ले जा, देखते हैं कोल्हा कोई है। बाप रे काय चाललंय काय? किधर आवाज तर येतोय की? बापरे कौन गया होगा? शेर नहीं है ना यहाँ पर? नहीं शेर नहीं है, शेर को भी देखना था। इस कुटिया के पीछे था, ऊपर से आया था अभी। कोल्हा कोल्हे आले तेरे बाबा काय खरच। बंद हो गई इसमें क्या है ना, ये अपने परिवार को पूरा इकट्ठा करते हैं महाराज जी। अभी लाइट भी शांत हो गई है। नर्मदे हर नर्मदे आज बऱ्याच दिवसांनी कोल्हा कोई ऐकली आहे। दुसऱ्या परिक्रमे मी अमरकंटकच्या अलीकडं कोल्हे कोई ऐकली होती, आज बऱ्याच दिवसांनी ऐकली। जबरदस्त होती लोंबडी ती लोंबडी व चिल्ला रही ती अभी। नर्मदे हर हो गा क्या बता। नर्मदे